टू माई क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एरे फॉर्मूला की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर टेन आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेज शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी टेबल है जिसके अंदर अमेरिका की डिफरेंट फिफ्टी स्टेट के नाम लिखे गए हैं प्रॉब्लम के अंदर हमें यह कहा गया है एंटर द नेम ऑफ़ द स्टेट आप यहाँ पर स्टेट का नाम एंटर कीजिए मैंने एक नाम एंटर कर दिया टेक्सास देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेक्सास लिखा हुआ है जैसी मैं ये स्टेट यहाँ पर लिखूँ मेरे को सामने आंसर आ जाए कि ये इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टेट का नाम दिया गया है या नहीं दिया गया सो so, मैं यहाँ पर इस बात को चेक करना चाहता हूँ क्या टेक्सास नेम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं आई राइट ए फंक्शन हेयर दिस इज इक्वल्स टू इफ इफ के अंदर सबसे पहला आर्गूमेंट लॉजिकल टेस्ट है लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने एक और फंक्शन दे दिया आर जो कि एक अपने आप के अंदर लॉजिकल फंक्शन है इस आर के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये थ्री की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आती है या नहीं इस बात को चेक करके बताओ कि जो J3 के अंदर वैल्यू लिखी गई है वो इस टेबल के अंदर पाई जाती है या नहीं पेरेंथिस क्लोज। यहां पर हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया अगर तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो यहां पर मेरे को आंसर दे दो डबल कोट के अंदर फाउंड नहीं तो मेरे को आंसर दे दो डबल कोट के अंदर नॉट आई क्लोज पेरेंथेसिस अब स्टूडेंट यहां पर मैं तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर अगर आप एक ही की को प्रेस करेंगे तो ये हमें आंसर नहीं देगा सो so, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को यहां पर प्रेस करता हूँ टेक्सास यहां पर मिल गया टेक्सास वर्ल्ड ये स्टेट यहाँ पर पाई गई है मैं यहाँ से इसको हटा के एक और स्टेट का नाम लिख देता हूँ इंडियन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर तो मेरे पास ये आंसर आया नॉट फाउंड मैं अब इस इंडियन की जगह यहाँ पर इंडाना कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर आप देख रहे हैं कि ये यह यहाँ पर हमारा आंसर साथ के साथ चेंज हो रहा है हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट अगेन एंटर द नेम ऑफ स्टेट इंडाना अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन नेम की मदद से टेकअप करूँगा सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर सेल को मैं डिफाइन नेम के थ्रू प्रेजेंट करूँगा आई गो टू फार्मूलाज फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम डिफाइंड नेम को मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां पर न्यू नेम बॉक्स के अंदर स्टेट नेम मैं इसका यह नाम रख देता हूं स्टेट नेम ये सेल इस पूरी वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होगा एंड इट रेफर्स टू जो चीज हमने इस पर्टिकुलर सेल के अंदर की है उसका रेफरेंस यहां पर आ गया कोई कमेंट मैं नहीं दे रहा और रेफर्स टू के केस के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इस सेल की रेफरेंस को टेकअप कर लिया आई से ओके सेकेंड पॉइंट के अंदर मैं डिफाइन नेम में इस पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं अगेन आई गो टू डिफाइन नेम डिफाइन नेम के अंदर अब मैं यहां पर न्यू नेम बॉक्स के अंदर इस पूरी की पूरी टेबल को नाम दे रहा हूं स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट स्टूडेंट ध्यान देंगे मैंने यहां पर कोई बीच में स्पेस नहीं दिया डिफाइन नेम किसी भी स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता ये स्टेट लिस्ट का नाम पूरी वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो कमेंट के अंदर हमने कोई कमेंट नहीं दिया और रेफरस टू के केस के अंदर एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टेबल की रेफरेंस का रेंज ले लिया आई से ओके आप नेम बॉक्स के अंदर देखिएगा हमारे पास दो डिफाइंड नेम आगे स्टेट लिस्ट एंड स्टेट नेम अब मैं इन दोनों को अपने इस फंक्शन के अंदर यूज करूँगा इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इफ ये सेम फंक्शन है जो कि अभी हमने ऊपर लिया है इफ़ के अंदर मैंने आर फंक्शन को टेकअप कर लिया और आर के पेरेंथीसिस के अंदर अब मुझे ये नाम देना है सो so, यह नाम तो हमने स्टेट नेम दिया था आई स्टार्ट राइटिंग स्टेट जैसी मैंने लिखना शुरू किया मेरे पास टूल टिप के अंदर स्टेट नेम आ गया मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया स्टेट नेम दिस इज इक्वल्स टू स्टेट लिस्ट पेरेंथिस क्लोज। इस स्टेट नाम को इस पूरी की पूरी स्टेट लिस्ट के अंदर चेक करो अगर तू तो ये मिल जाता है तो मुझे आंसर दे दो फाउंड डबल कोट क्लोज कॉमा और अगर ये नाम इस पूरी लिस्ट के अंदर नहीं मिलता तुम तो मेरे को आंसर दे दो नॉट फाउंड ये भी हमने डबल कोड के अंदर दे दिया आई क्लोज पेरेंथेसिस स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे यहाँ पर हम सिंपल एंटर नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट रेंज को वेरीफाई कर रहा है सो so, ये एक एरे फंक्शन है जिसके अंदर हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कीस तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे यहाँ पर मैंने तीनों की इसको प्रेस कर दिया इंडाना नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है आई राइट सम अदर नेम मैं इंडाना की जगह इंडियन कर देता हूँ आई प्रेस सेंट्र नाउ दिस इज नॉट फाउंड अगेन मैं यहाँ पर इंडाना कर देता हूँ आई प्रेस सेंटर दिस इज फाउंड मैंने यहाँ से इस नाम को चेंज कर दिया आई राइट इट अलास्का कंट्रोल शिफ्ट एंड एंट्र ये यहां पर फाउंड ही है सो so, आप देख रहे हैं कि हमने इस बारी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइंड नेम के साथ टेक अप किया है आई राइट द फंक्शन हेयर अगर स्टूडेंट मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की जगह सिंपल एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे हैश वैल्यू एरर देगा अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो यहां पर तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस करना पड़ेगा हमने यहां पर आर फंक्शन को यूज किया आर फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द वैल्यूज इन द एरे इज दरअस ये हमारे पास एरे था अगर इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू उसे मिल जाती है तो वो ट्र्यू आंसर देता है लॉजिकल टेस्ट के अंदर अगर हमें आंसर ट्रू मिलता है तो इफ फंक्शन हमें जवाब में फाउंड देता है अदरवाइज नॉट फाउंड का आंसर हमें मिलता है आई होप दैट from this small question you will be able to understand array formula in a better way thank you very much